इंडियन शेयर बाजार ने मार्केट खुलते ही 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। इस तरह की चीजें आ रही थी इंडियन टीवी चैनल्स पे। फिर हमने कल एक वीडियो बनाया जिसपे हमने कुछ चीजों के बारे में बात करी कि हाई पॉसिबिलिटी देर इज अ गैप डाउन, सम हाउ दैट हैपेंड। उसके बाद बात करी कि 17,800 किस प्रकार से क्रूशियल लेवल हो जाएगा, और अगर 17,900 के ऊपर जाके निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो बुल्स विल बी अगेन इन द ग्रिप। और तीसरी चीज जो हमने क्लियरली कल के वीडियो में जाके आप देख सकते हो, लाइव है, पब्लिक डोमेन पे है, इवन बिफोर डाउ मार्केट खुला था अमेरिकन मार्केट, उसके भी कई गुना टाइम पहले अपन ने बता दिया, बैंक निफ्टी will have more strength as compared to Nifty। ये चीज़ हमने अपने official Telegram channel पे भी बताई थी। In fact, official Telegram channel केवल एक है, हम ना किसी का account manage करते हैं, ना retail को कोई paid tips देते, जो भी है सब इधर ही है, चाहे अपना webinar के detail हो, चाहे जो भी हो, उधर pinned comment में मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। वैसे भी webinar और chart subscription है, that's it। तो कृपया दूसरों के झांसे में ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें अपन ने बताई थी, पर हमने कुछ मैक्रोस के बारे में भी डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के जो उतार चढ़ाव अब आने वाले समय पे मार्केट में आने वाले, उसमें मैं कौन से सेक्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ, और उस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि मैक्रोस कहाँ पर गड़बड़ाए हुए हैं। मैक्रोस गड़बड़ाए हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा खराब आ रहा है बोथ इंडिया और यूएस के परस्पेक्टिव से, डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आ रही है, और आपको एक दिख रहा है कि डॉलर के स्ट्रेंथनिंग के चक्कर में थोड़ा सा इशू हो रहा है। लेकिन क्या आपको पता है इसके चक्कर में कई बार फायदा भी होगा। देखिए, पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, निफ्टी 17,800 और बैंक निफ्टी तो भाई साहब 41,000 के ऊपर जा चुका है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, पहली चीज़ कि अगर गोइंग अहेड आपको स्ट्रेंथ अगर देखनी है, रोबस्टनेस देखना है, तो वो आपको बैंक्स में ज़्यादा दिखेगा। पहली चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है। दूसरी चीज़ आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा टर्मोइल मचने लग जाए, जब आपको समझ भी नहीं आए कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्या लें, कैसा लें, तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आप डिफेंसिव पैक में जाके अपना बटेरा कर ले, मतलब यू गो टूवर्ड्स द डिफेंसिव पैक। अब डिफेंसिव पैक में क्या आते हैं? डिफेंसिव पैक में आते हैं फार्मास एंड आईटी। इनके फायदा क्या होता है? हिस्टोरिकली अगर आप देखें जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये अनुभव के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरह के एक्सपीरियंशियल शेयरिंग वाली वीडियो पसंद आते तो लाइक करना ना भूलेगा। तो क्या होता है कि जितने बड़े लोग रहते हैं, इनको ये कभी भी ना पैसा पूरा निकाल के नहीं ले जाते। जब आप डेटा एंड ऑफ द डे स्टडी करते हो कि FIIs ने ये किया, DIIs ने ये किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि FII पूरा पैसा लेके निकल गए और खाली बैठ गए। कोई भी बड़ा व्यक्ति, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन, कोई भी HNI कभी भी फ्री कैश पे नहीं बैठते हैं। ये लोग उस कैश को डिप्लॉय करते हैं, एंड मोस्टली ये एक साइक्लिक तरीके से हमारे देश में भी आता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पिछला रैली जो आज से कुछ महीने पहले हुआ था, तब जो स्टॉक्स चल रहे थे अब वो शायद नहीं चल रहे, अब जो चल रहे तब नहीं चल रहे थे। पिछले टाइम पर रिलायंस, HDFC बैंक लीड कर रहे थे, इस बार उतने अच्छे से लीड नहीं कर रहे। इस बार चल रहा है तो केवल अडानी ग्रुप चल रहा है। बाय द वे, कमेंट्स में ज़रूर आप बताइएगा कि ये जो गैप अप गैप डाउन में हो रहा है, क्या आप इसमें पैसा आसानी से बना पड़े या मुश्किल आ रही है, और मुश्किल जो आ रही है तो उसका क्वेश्चन डालिएगा, बिकॉज उसी क्वेश्चन के बेसिस पे मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ बनाऊंगा। तो ये पहली चीज़ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? पहले हमको समझना होगा कि भाई ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं, और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। हमको समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट फंक्शन कैसा करता है, हमको समझना पड़ेगा साइकिल्स कैसे चलते हैं, हमको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस, हमको समझना पड़ेगा PCR डेटा। अब बोलोगे इतनी सारे एनालिसिस, इनमें से 3-4 चीजें भी समझ लें तो काफी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, एक और चीज कर सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो। पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो जो चीज मैं करता हूं वो कर लो। मैं क्या करता हूं, मैं किताबें सुन लेता हूं, मतलब मैं पढ़ भी लेता हूं बट समय नहीं मिलता। जैसे आप लोगों को पता है मैं महीने में 15-20 दिन तो ट्रैवल करता हूँ, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी बैंगलोर, कभी हैदराबाद, इस तरह से मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है। बाय द वे, अभी इस वीकेंड सैटरडे को मैं लखनऊ में रहूँगा, जो धन का इवेंट है, तो उसके बारे में भी मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पर बताया हुआ है। तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पर ना बुक्स को सुनने की कोशिश करता हूँ, और उसमें हेल्प करता है मेरा Kuku FM। तो Kuku FM पे जैसे एक इंडियन शेयर मार्केट की बुक समरी है, बढ़िया, हर बिगिनर को सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत तगड़े से कंसेप्ट्स बताए हुए हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, AK50 अगर आप यूज़ करोगे तो 50% ऑफ भी मिल जाएगा फर्स्ट 250 यूजर्स को। तो पहली चीज़ वो आपको करनी है कि भाई अपना नॉलेज बेसिस पे आपने ध्यान दें। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अब सेक्टर स्पेसिफिक जाना। तो जैसे मैंने सेक्टर्स की बात करी, कौन से दो सेक्टर? फार्मा और आईटी। तो इसके ना लीडिंग फ्रंट वाले आप देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कहां पर निवेश करना है, तो इनको जो लीड करते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जो लीडर्स रहते हैं, आप उन पे अपना निवेश कर सकते हो। तो जैसे आईटी की अगर बात करूं तो मेरी नजर में है टेकम है, TCS है, इंफोसिस है, विप्रो है, दैट्स इट। आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों?
दो चीज़ें, कल को मान लो किसी कारण बहुत मेजर वोलेटिलिटी आती है तो ये इंस्टीट्यूशन भी इधर क्यों रहते हैं, क्योंकि इनको पता है दे कैन ट्रस्ट ऑन द प्रमोटर्स, दे कैन ट्रस्ट कि एक कंपनी रातों रात बंद नहीं होगी, दे कैन ट्रस्ट ऑन द R&D ऑफ दीज कंपनीज कि इन कंपनीज की R&D इतनी अच्छी है कि यार ये टिकी रहेंगे वहाँ पर. तो ये ट्रस्ट के चक्कर में दैट इज़ वन ऑफ द प्रेफरेबल बेट्स आउट देयर. लाइकवाइज फार्मा में बायोकॉन, ऑरा फार्मा, इपका लैब, डॉक्टर रेड्डीज, ल्यूपिन, ये 4 से 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसपे आप थोड़ा 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 एलोकेशन, अगर आपको फार्मा में तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपको 1 लाख रुपीज फार्मा में लगाने, तो कुछ लोग पूछते हैं भैया हम कौन से स्टॉक पे फार्मा में लगाने, किस में लगाए, आप सिर्फ एक स्टॉक पे क्यों लगा रहे हो, 5 स्टॉक में 20-20 हज़ार डाल दो, इससे आपकी हेजिंग हो जाती है, हेजिंग इन द सेंस पोर्टफोलियो थोड़ा हेज रह जाता है, कल को अगर किसी एक कंपनी में बहुत सारे FDA रेगुलेशन निकल रहे बाकी संभालेगा, अगर पूरा सेक्टरल डैम्पर है, अगर पूरा सेक्टर नीचे तो थोड़ा बहुत डैमेज होगा, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको हेल्प आउट कर देगी. लाइकवाइज अगर मैं IT में बात करूँ तो 4 में आप 25% आप डाल दीजिए, दैट इज द राइट वे. प्रॉब्लम क्या होती है, आप में से ज्यादा लोग पैनिक क्यों होते हैं, सारा का सारा पैसा TCS में डाल दिया. इसको थोड़ा मैथ समझो यार, बहुत लोग ना इसी चीज पे गलती कर देते हैं. आप क्या सोचते हो, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने पूरा 1 लाख रुपीज़ है, ध्यान से सुनना, आप में से अगर किसी ने किया तो कमेंट्स में जरूर बताएगा, वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा. तो आप में से 1 लाख रुपीज़ है, आप बोलोगे कि यार एज ऑफ नाउ TCS चल रहा है 3,000 रुपीज़ का, तो मेरे पास आ जाएंगे करीब करीब 30-35 शेयर्स आ जाएंगे, तो मैं पूरा का पूरा TCS पे लगा देता हूं. अब दो पॉसिबिलिटी, अगर ये 20% चढ़ गया TCS, तो जाहिर सी बात है आपका भी पैसा 1 लाख जो डाला 1,20,000 होगा, और ये अगर 20% डाउन गया तो वो 80,000 हो गया. अब यहीं पे दूसरा सिनेरियो आप ले लीजिए, आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, अब 1 लाख रुपीज़ को आप TCS, विप्रो, इन्फोसिस, माइंडट्री, इस तरह से आप 4 से 5 स्टॉक्स में 25% मतलब 25,000 डालते हो. अब इसमें बेनिफिट क्या, अगर वो TCS 20% गिरता है तो वो आपका 25,000 का 20% नीचे जाता है, नॉट द एंटायर 1 लाख. और उसी को कॉम्प्लीमेंट करते मान लीजिए विप्रो और इन्फोसिस ऊपर जाते हैं तो आपको फायदा होता है. अगर पूरा सेक्टर डाउन है तो वो तो एनीवेज अगर आप TCS लेते तो भी डाउन होता और 4 स्टॉक IT के लेते तो भी डाउन रहता, तो आपका कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं बन रहा. लेकिन फायदा ये हो रहा है कि आपके पास डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बड़ा पावर हो रहा है. तो जितने लोग रोते हैं ना कि हम यस बैंक में फंस गए, वो इसलिए फंस गए ग्रीड के चक्कर में, पूरा का पूरा पैसा उन्होंने यस बैंक में लगा दिया, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दैट. नेक्स्ट चीज, हमने ये तो समझ लिया कि मेरे पर्सपेक्टिव से, दैट इज माई बायस, कि आने वाले कुछ महीनों में IT कुड बी वन पैक एंड दिस थिंग, क्योंकि डॉलर का भी फायदा इधर होने वाला है और बहुत टाइम से ये अंडर परफॉर्म किए दोनों सेक्टर, तो ये जो डिप्स आ रही है ना वहाँ पर पर्सनली मेरी तो नज़र है इन दो सेक्टर पे. एक सेक्टर जिससे मैं अपने पोजिशंस काट रहा हूँ वो कौन सी है, वो है FMCG. वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, स्टॉक्स अच्छे हैं, देखो डिफेंसिव है सब कुछ है, बट मैं थोड़ा मोमेंटम का खिलाड़ी हूँ और मैं इसी चक्कर में हल्का पुल्का वहाँ से निकल रहा हूँ. आपको एक चीज़ समझनी है कि एक चीज़ क्लियर हो चुकी है भैया, इन्फ्लेशन का जो डेंट पड़ने वाला है, जो विदेशों में जितना पड़ने वाला है ना उतना इंडिया में नहीं. और मैं एक चीज़ लास्ट एक महीने से रिपीट कर रहा हूँ अपने वीडियोस को, अगर आप रेगुलर देखते हो, कि भारतीय बाजार और विदेशी बाजार में एक डिविएशन रहेगा और वो हमको दिख रहा है ईयर ऑन ईयर, जो हमारा मार्केट परफॉर्म कर रहा है उनके तो डिफरेंस है. तो आज हमने क्या चीज़ सीखी, पहली चीज़ अपकमिंग मंथ्स, मैं डेज की बात नहीं करूँ, हो सकता है कल 10% गिर जाए 15%, तो अपना रिसर्च करो, बट अपकमिंग मंथ्स अगर कुछ मल्टीपल मंथ्स के लिए लोग हैं तो फार्मा और IT. देखिए बहुत ओपनली आके ना बोलने के लिए बहुत गट्स लगता है, बहुत सारे लोग बोलते नहीं है, पर मैं तो सीधे बोलता हूँ. और वही चीज़ मैं अपने चार्ट सब्सक्रिप्शन और वेबिनार में भी सिखाता हूँ, उसका भी लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. तो आपको एक चीज़ समझनी है कि भाई आपको अगर मेरे को फोकस करना है तो मैं तो फार्मा और IT पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा, ऑटो पे हल्का फुल्का करूंगा बट बहुत सिलेक्टिव करूंगा, दैट इज़ नंबर वन. दूसरी चीज़, हमारे मार्केट और विदेशी मार्केट में डिविएशन रहेगा तो जस्ट बिकॉज विदेशी बाजार 3% से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मैं जाके शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं लेवल्स के साथ खेलूंगा. कल भी मैंने लेवल्स बताया था, उन्हीं लेवल्स पे हम स्टिक करेंगे. अगर 18,000 के ऊपर है तो हमको लॉन्ग ही रहना है, 17,800 के ऊपर है तो लॉन्ग ही रहना है, 17,500 अगर तोड़ दिया, 17,700 तोड़ दिया तो हम सोचेंगे बेस्ड ऑन किस सिचुएशन पे थोड़ा हुआ है. लाइकवाइज बैंक निफ्टी तो भैया जब तक 40,000 के ऊपर है, 40,000 के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से आपको अल्ट्रा पैनिक करने की जरूरत नहीं है. तीसरी चीज जो हमने समझी है यहां पे कि ये जितने भी डेटाज आते हैं ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेशक हो, याद रखो अगर आप सही में इन्वेस्टर हो, तो ये चीजें आपको अपॉर्चुनिटी देती हैं. तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है जहां पर काफी सारे स्टॉक्स रीजनेबल वैल्यूएशंस पे, मेरे हिसाब से वो ग्रैब करना ज्यादा समझदारी होगी रैदर देन सेलिंग. तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा, सीखा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग. और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको कुकू FM का लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिए.